हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मम्मी समीज किचन। आज हम बनाने वाले हैं मटर पनीर। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। मटर पनीर बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया जिसमें 2 चम्मच ऑयल लिया है, इसे गर्म कर लिया। अब इसके अंदर अदरक और लहसुन के हम 3 से 4 टुकड़े मैंने इसमें डाले हैं। तो अब हम इनको अच्छे से सॉटे कर लेंगे। हम इसे 10 से 12 सेकेंड के लिए हम इसे सॉटे कर रहे हैं। अब इसमें अनियंस हैं, इसको भी ऐड कर देंगे। मैंने रफली चॉप करी है तो इसको भी हम कम से कम 1 मिनट के लिए हम इसे पकाएंगे। ये हो चुके हैं, देखिए हल्के हल्के टर्न हो रहे हैं, इसका कलर चेंज हो गया। तो इसी तरह से हम इसमें जो टमाटोज हैं, हम टमाटोज भी इसमें डाल देंगे। इसको भी मैंने रफली चॉप्ड किया है तो इसको भी इसमें डाल लेंगे। अब ये टमाटोज हैं, इनको भी हम 1 मिनट के लिए इसे सॉटे करेंगे जब तक ये सॉफ्ट ना हो जाए। तो ये देखिए ये सॉफ्ट हो चुके हैं, तो इस फ्लेम जो है इसकी ऑफ कर देते हैं और इसे ठंडा होने के बाद इसको ग्राइंड कर लेते हैं। तो मैं इसे मिक्सर जार में डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। देखिए इसका पेस्ट बन चुका है, तो इसको हम कढ़ाई में डाल देते हैं। इसमें ट्रांसफर कर रही हूँ कढ़ाई में। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा पानी ऐड करके। पानी अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपको बहुत ज़्यादा थिक ग्रेवी पसंद नहीं है तो। तो अब हम इसमें सॉल्ट डालेंगे। मैं यहाँ पे 2 चम्मच सॉल्ट ले रही हूँ और यहाँ पे 2 ही चम्मच मैं इसमें लूँगी देगी मिर्च और 1 चम्मच मैं इसमें ले रही हूँ हल्दी और गरम मसाला भी इसमें ऐड कर देंगे, वो भी 1 चम्मच लिया मैंने यहाँ पर। तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको कम से कम 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे से पकाएंगे। इसको तब तक पका रहे हैं जब तक इसकी जो ग्रेवी थोड़ी सी गाढ़ी ना हो जाए। देखिए टर्न हो रही है, गाढ़ी हो रही है इसमें। तो अब हम इसके अंदर चाहें तो, अगर आपको ग्रेवी पसंद नहीं है बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा पानी ऐड कर सकती हैं, ज़्यादा नहीं। तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पीस। ये मैंने फ्रोज़न पीस लिए हैं, आप चाहें तो नॉर्मल भी ले सकती हैं। फ्रोज़न पीस को ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इसको 5 मिनट ही मैंने पकाया। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे क्रीम। तो इसमें 2 चम्मच क्रीम ले ली हूँ। अगर आप क्रीम को स्किप करना चाहते हैं तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन क्रीम डालने से इस मटर पनीर का टेस्ट बहुत ही अच्छा आ जाता है। तो इनको अच्छे से हिला लेंगे, क्रीम को मिक्स कर लेंगे और इसको कम से कम 5 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे। ढक्कन लगा देते हैं, इसे 5 मिनट के लिए पका लेते हैं। अब 5 मिनट हो चुके हैं तो हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये बन चुके हैं, मटर भी हमारे जो हैं अच्छे से गल भी चुके हैं। तो अब हम इसमें पनीर डाल देते हैं। पनीर को डाल के भी हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए इसको मीडियम फ्लेम पे ही पकाएंगे, क्योंकि इससे क्या होगा, ये जो पनीर में भी पानी होता है तो वो भी एब्जॉर्ब हो जाएगा ग्रेवी के अंदर, सूख जाएगा वो भी अच्छे से। तो अब हम इसे भी कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे हम इसको भी रखेंगे। हो चुका है और बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मटर पनीर की, तो बिल्कुल बहुत ही रेस्टोरेंट स्टाइल में बना है। तो चलिए आइए अब इसको सर्व कर लेते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर मिलूंगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ।